हाय गाइस, नमस्ते। जय सीताराम। कमेंट्स में आप भी लिखिएगा जय सीताराम। आप किन देवी देवताओं के भक्त हैं, मुझे कमेंट्स में शेयर करके बताइए। और दोस्तों, अगर आपके भी स्टोरीज़ हैं तो आप अपनी स्टोरीज़ मुझसे मेरे मेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी विवेक जी की है, उन्होंने मेरे मेल पर मुझसे शेयर किया है। वो कहते हैं कि एक दिन दोपहर के वक्त जब मैं ऑफिस से घर आ गया था, मेरे पीठ में, मिडिल बैक में बहुत पेन हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने दर्द के लिए दवाई तो ले लिया, लेकिन उसके बाद भी मुझे रिलीफ नहीं मिला। अचानक से मेरे मन में ऐसा फील हुआ कि मैं हरे कृष्णा ये नाम लेकर जपूं। तो मैंने जपना शुरू किया। मैं कृष्णा कृष्णा कहता और यही कहकर मेरी आंख लग गई। सोकर मुझे सिर्फ 20 मिनट हुए थे कि उठने पर मैंने ये फील किया कि मेरी दर्द पूरी तरीके से गायब हो गई थी। मैं पूरी तरीके से चौंक गया कि जिस दर्द का जाने का कोई नाम और निशान नहीं था, वो अचानक से पूरी तरीके से गायब हो गया। तो यह कृष्ण भगवान की ही लीला थी और उन्होंने ही मेरे मन में ये विचार लाया कि मैं उनका नाम जपूं। तो ये तो थी पहली बात। कुछ समय के बाद जब मैं अपने किचन से गुज़र रहा था, क्योंकि मुझे भूख लग गई थी, तो मैंने ऐसे ही कैलेंडर के तरफ देखा और कैलेंडर में मैं क्या देखता हूँ कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि आज जन्माष्टमी है। मैं अपने काम में इतना डूब गया था कि मुझे इस बात का कोई अनुमान ही नहीं था कि आज जन्माष्टमी है। लेकिन आप कृष्ण भगवान की लीला देखो कि उन्होंने मेरा पीठ का दर्द ठीक कर दिया। इतना ही नहीं, जब मैं उस दिन रात में सोया तो मुझे एक बहुत सुंदर सा स्वप्न आया। उस स्वप्न में मैंने कृष्ण भगवान को देखा। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे और मैंने बहुत सारे ऐसे नज़ारे देखे जिसमें कृष्ण भगवान धर्म के साथ चलने को सिखा रहे थे। वह ये दर्शा रहे थे कि कैसे मुझे एक अच्छा इंसान बनकर जीना है। और उनकी मुस्कुराहट से मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे खुश हैं। मैं इस पूरे एहसास से चौंक गया। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे स्वप्न में कृष्ण भगवान दिखे और उन्होंने मुझे इतनी अद्भुत दृष्टियाँ दिखाई और इतना स्पेशल फील कराया। सच में उस रात के लिए और मेरे पीठ के दर्द के छू मंतर होने के लिए मैं उनका पूरे दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं तो आश्चर्यचकित हो गया कि मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है कि मैंने उनके ही जन्मदिन के दिन उनसे भेंट ले लिया और उनको मैंने अपने स्वप्न में भी देख लिया। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही पावरफुल स्टोरी था। आप सोचिए ना, कृष्ण जन्माष्टमी है और भगवान स्वयं ही आपको गिफ्ट दे देते हैं और आपके सपने में भी आते हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत ही स्पेशल स्टोरी था, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई होप कि आपको भी अच्छा लगा है। सो फ्रेंड्स, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने स्टोरीज़ भी आप मेरे साथ मेरे मेल पर शेयर कर सकते हैं। स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।